गुड इवनिंग एवरीबडी वेलकम टू माई चैनल द इनविजल थ्रेडर हमने वीकली वीडियो तो कल बनाए नहीं थे हम नहीं दे पाए बट टाइमिंग कैलकुलेट किया चैनल में ग्रुप में मैंने काफी टाइम मतलब लेट में मैंने डाला बट स्टिल इट इज वर्किंगे एक बार आप स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा क्योंकि आज काम किया है तो मोस्ट प्रोबली Most of the entire week काम करना चाहिए ये आ, जो टाइमिंग है आज हमारा टाइमिंग था नाइन फिफ्टीन टू टोर्टी फाइव तक ऑन डिप्स का ब्यूटीफुल्ड ट्वेल्व फोर्टी फाइव टू वन फोर्टी फाइव सेल यह भी सेल आता लेकिन द स्लो वॉज रियली रियली स्लो एंड थर्टी uh, तक हमारा बाय मार्केट था जो मार्केट ने किया तो बढ़िया उट अबाउट दैट द प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं है कल ये आपका ब्लेसिंग भी हो सकती है मार्केट जो है कल अपने को एक फुल डे से राइस का मार्केट दिख रहा है ट्यूजडे है कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है तो यू माइट गेट साम ब्यूटिफुल जैक पॉट्स ऑन दी साइट इफ यू वॉन्ट टू ट्राई अभी मैं लेबल आपको देता हूँ और uh,

थर्ड नोवर नाइन फिफ्टीन टू इलेवन थर्टी बाई इसमें ध्यान देने की जो जरूरत है अगर हमें कल एक सेल मिल मिलता है थर्सडे को बढ़िया सेल मिलता है तो फ्राइडे मार्केट बड़ा सेल नहीं देगा बड़ा बाय भी नहीं देगा इट माइट बी ए टिपिकल फ्राइडे रेंज बाउंड मार्केट नो डाउट अबाउट दैट मार्केट इस हिसाब से अगर देखेगा आज आज तो ठीक है मार्केट जितना गया, गया आज का कल से अगर हम मार्केट देखेंगे तो मार्केट एक अपर साइड कैपिंग का व्यू मार्केट में दिख रहा है लास्ट लास्ट वीक वीक ये आपने ले लिया ठीक है लास्ट वीक जो हमने बात करी थी अगर आपको याद होगा हमने जो लाइव में ये वीडियो में कवर भी किया था मैंने वेडनेस को लाइव में लोगों को मैंने यहाँ पे कट करने के लिए आ, बोला था मार्केट एक मैंने फ्लैग एंड पोल का टारगेट भी दिया था अगर आपको याद होगा ये फ्लैग एंड पोल का टारगेट यहाँ तक मैंने ये भी बोला था कि 850 में ये ट्रेन लाइन को टच करेगा which was, which was this trend line. Ideally अगर आप देखोगे ये वाला जो चैनल का अपर ट्रेंड लाइन है इसको टच करेगा अगर मार्केट इसको टच किया मैंने चार्ट भी डाला था बाइजोन भी बनाया था ये अगर आप देखोगे ये वाला राइट बाइजोन भी बनाया था और मैंने बोला था जंक्शन में अगर आपको मिला तो बिल्कुल निफ्टी को आपको बाय करना है अगर आप देखोगे वह पहला फिफ्टी पहला टारगेट हमारा हंड्रेड फिफ्टी टू वन सिक्सटी के आसपास था अगर आपको याद होगा जो चार्ट पे मैंने दिया था सो दैट टारगेट इज डन सेकेंड टारगेट वॉज ये जो रेड लेवल हमारा वीकली का है वो दिया था वो शायद कल गैपअप में आ गया तो आ गया गारंटी नहीं है ट्रेडिंग में देता हूं बट हमारा जो टारगेट था पहला टारगेट वो हमें मिल चुका है वीकेंड था इसलिए हमने कोई पोजिशंस रखा नहीं था दैट वॉज ओके बिकॉज मार्केट डिप होके बाय होके गया है नो डाउट अबाउट दैट नाउ थर्सडे को अगर आपको याद होगा मैंने फ्राइडे को संडे को ही बोला था फ्राइडे लुक्स लाइक ए बुल रन फॉर अस राइट अगर आप देखोगे ये थर्सडे की क्लोजिंग ओपनिंग के ऊपर ही क्लोज हुआ है और थर्सडे को मैंने वीडियो तो नहीं बनाया था बट बनने से वीडियो में मैंने क्लियरली बोला था कि अगर जंक्शन में मार्केट मिलता है देन नाइनटी नाइन परसेंट चांसेस के फ्राइडे हम बुल रन में जाएंगे राइट right? और मैं वीडियो नहीं बना पाया तो भी आपको बाय करना है ग्रुप में तो ये मैंने आठ या दस बार बोला रात को थर्सडे को मार्केट ऊपर ही जाएगा और ये भी बोला मार्केट कितना भी गैप अप हो अगर गैप अप हो गया गैप डाउन को छोड़ा अगर गैप अप हो गया मार्केट को सेल नहीं करना है ब्यूटीफुल so, ट्रेड अगर हम देखेंगे देखो ये ट्रेड में हम कॉन्फिडेंट थे नहीं वन से फिर भी हमने थोड़े बहुत पैसे बनाए थे ये ट्रेड में हम कॉन्फिडेंट नहीं थे ये फॉल का ये दिस कन्फर्मेशन सेल बट थर्सडे का सेल मैंने बोला था कि थर्सडे मार्केट वुड बी सेल ऑन राइज और मार्केट गैप डाउन हुआ था लोअर लेवल टच करेगा राइट right? थर्सडे एंड फ्राइडे वॉज एस पर प्राइस वॉज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट रेट नो डाउट अबाउट इंक्लूडिंग टूडे जबकि हमने वीडियो नहीं बनाया राइट दिस ने लिया भी था वॉज ए कॉन्फिडेंट सेल डेफिनेटलीस वॉज ए कॉन्फिडेंट बाय डेफिनेटली हमने बहुत पहले बोला है ठीक है सेम विद बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे लेवल मैंने यही दिया था बाय जोन का ये बाय जोन हमारा था बाय जोन राइट सॉरी बैंक निफ्टी थोड़ा नीचे गया था तो बैंक निफ्टी की हमारी बाइजोन यहाँ पे थी अगर आप देखोगे बाइजोन का बॉटम बाइजोन का बॉटम और ये बॉर्डरिंग पैटर्न का बॉटम यही चार्ट मैंने आपको दिया था और टारगेट अगर आपको याद होगा मैंने सिंगल डे में बोला था आपको कैरी नहीं करने के लिए क्योंकि फ्राइडे था इसीलिए सिंगल डे में जितना आया आया पहला टारगेट यही था 850 का ही टारगेट था सेकंड टारगेट वाज 43,100 जो आज आया है 43,100 थ्री थाउजेंड आज आया है बट फ्राइडे को ये पहला टारगेट दे के चला गया था राइट दर इज नो डाउट अबाउट दैट यहाँ से दो बार बैंक निफ्टी ने बाइंग दिया है थर्सडे को भी बाइंग दिया फ्राइडे को भी बाइंग दिया आज भी बाइंग दिया नो डाउट अबाउट दैट बाकी मार्केट ये अगर आप देखोगे टू सिक्सटी फाइव टू हंड्रेड हंड्रेड फिफ्टी पॉइंट नीचे गया अभी ये जो नीचे गया है लोग बोल सकते हैं क्यों नीचे गया है रिएक्शन क्यों नहीं आया वो अलग बात है और मार्केट की क्लोजिंग अगर देखोगे क्लोजिंग बटम के आसपास हुई है बाय जोन की बॉटम के आसपास ओके okay? बाकी इसमें अगर क्यों, क्योंकि कुछ लोगों ने वीडियो डिसलाइक किया आई डोंट नो वाई डिसलाइक बिकॉज थर्सडे बहुत क्लियर व्यू था कि मार्केट और मैंने बोला था गैप डाउन अगर हुआ तो थ्री का लेवल तो डेफिनेटली मार्केट में आएगा फाइव फर्स्ट टारगेट था थ्री हंड्रेड टारगेट था थ्री right? हंड्रेड का लेवल मार्केट में डेफिनेटली आएगा ये थोड़ा सा जो नीचे वीक बनाया है, वो हमारे एक्सपेक्टेशन का बाहर था बट इट्स ओके राइट तो व्यू में कोई कमी नहीं थी पैसे भी हमने बनाए अब कितने लोगों ने नहीं बनाया वो हम कुछ कर नहीं सकते आई डोंट नो व्हाई कपल ऑफ पीपल डिसलाइक द वीडियो बट द व्यू वाज परफेक्ट प्रेडिक्टेड इन एडवांस ओके नाउ दैट वाज लास्ट वीक दिस वीक क्या हो सकता है देखो ये वीक दो चीजें हैं ये जो तीन बाय जोन को जो सिंगल मार्केट ने काटा था ये वाला जो मंडे वाला जो कैंडल काटा था ना इसके बाद ही हमें कंफर्मेशन हुई थी ना कि नाकेट से, से हम एक रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे जो नहीं हुआ मंडे को राइट काटा नाउ दिस बाय जोन गोइंग टू एक्ट एज रेजिस्टेंस फॉर शॉप राइट तो मार्केट की ये वीक की जो कैपेसिटी हमारी होनी चाहिए अपर साइड में वो इसी लेवल के आसपास होना चाहिए To, मैंने वैसे ग्रुप में 250 लिखा है, है, so का का लेवल, so 40, ,250 to 350 का जो रेंज है, वो रेंज आपका सेल जोन होना चाहिए आइडियल दिस इज वीकली लेवल वन अगर ये काटा हम मार्केट में स्टॉपलेस देखोटी थ्री थाउजेंड को खेलेंगे बट मुझे नहीं लगता ये होना चाहिए ओके मार्केट में हमारी जो प्रडिक्शन बोल रही है कि मार्केट में कल एक सेल ऑन राइज मार्केट हो सकती है बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है वी डोंट नो बट इट इट इज इज गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड सेल ऑन राइज मार्केट चीज हो सकती है हाँ पहला आधा घंटा मार्केट ऊपर चला जाए या गैप अप हो जाए गैप अप होने के बाद मार्केट धीरे धीरे नीचे आए और उसके बाद बड़ा फॉल दे दैट माइट बी ए पॉसिबिलिटी ओके मैं अभी कल का डाइसेक्शन भी करता हूँ कि कहाँ पे बड़ा सेल हम मार्केट में देख सकते हैं right? राइट बट ये जो रेडिया है पॉइंट अभी चार दिन हमारा बाकी है is basically, this should ideally be a sell, जो पे के हिसाब से ऐसा नहीं कि मार्केट ये रेजिस्टेंस को पहली बार में काट के नहीं चला जाएगा जैसे ये इतने सपोर्ट थे इसने एक सिंगल कैंडल में काटा तो एक सिंगल कैंडल में अगर काटा डेली कैंडल में फिर हम अपना व्यू चेंज करेंगे अदरवाइज मार्केट अगर इस एरिया में कंफ्यूज हो रहा है या आपको नेगेटिव प्राइस एक्शन बना रहा है मार्केट में डेफिनेटली एक सेल होना चाहिए वेरी वेरी क्लियर व्यू इसमें कोई डाउट नहीं है और वेरी हाई चांसेस अगर मार्केट सेल ऑन राइज होता है तो ये बाय जोन तो आएगा ही आएगा एक बार ठीक है अब वो ट्यूजडे आए वेस्डे आए एक बार आएगा पॉसिबिलिटी कि हम फोर्टी वन थाउजेंड एट हंड्रेड के आसपास आ जाए तो ये जो हमारा बॉटम है अब बॉटम यहाँ तक पहुंच पहुंच रहा है ये यह यहाँ से घूम कर यहाँ तक आने की पॉसिबिलिटीज है बट यहाँ तक एक दिन में नहीं आएगा वो एक दिन में नहीं आएगा पॉसिबिलिटीज है कि का जो है ये कल टच कर दे पॉसिबिलिटीज है ओके बाकी जाना होगा तो वेस्डे थर्सडे में जाएगा थर्सडे सेकेंड हाफ का जो शायद तब चला जाए बट मेरा व्यू है अपर साइड कैपिंग आई है वीक का द कैपिंग वुड बी अराउंड फोर्टी थ्री थाउजेंड टू फिफ्टी टू थ्री फिफ्टी का लेवल मार्क्स ओके दैट वुड बी कैपिंग और एक चीज में बताता ये, ये तो हूँ अगर आप देखोगे मार्केट यहाँ पे काफी बार सपोर्ट लेके ऊपर गया है नो डाउट दैट तो ये रेजिस्टेंस बनना चाहिए अगर मैं ये लाइन वाइन सब हटा दू खाली कैंडल स्टिक अगर रखूंगा तो यहाँ पे आप सेल लोगे या नहीं लोगे अटेम्प्ट तो करोगे ना एटलीस्ट बड़ा सा मिले बट अटेम्प्ट तो करोगे राइट तो हमें अटेम्प्ट करना है अगर बड़ा दे गया तो बढ़िया बात है बड़ा नहीं दिया तो बाद में देखेंगे ना वन मोर थिंग दैट आई वांटेड टू टेल यूज जो टॉप से अगर हम फीबू की ड्रॉ करते हैं ये निफ्टी में बहुत ब्यूटीफुल है बैंक निफ्टी में इतना स्ट्रांग नहीं है बट फिर भी अगर हम टॉप से बॉटम लेते हैं, हैं माइनस करते हैं तो अलग बात विक्स को अगर कंसिडर करते हैं तो ये देखो फिफ्टी फोर्टी का लेवल आ रहा है जो फिफ्टी परसेंट का आइडियली रिट्रेसमेंट लेवल है बैंक निफ्टी की विच माइट बी स्ट्रांग स्ट्रांग

नाउ निफ्टी की अगर हम बात करें डाउन साइड में ऑलरेडी टारगेट एक लेवल तो यहाँ पे है बट मुझे नहीं लगता तक आ सकता है सो so हमारा फॉल्ट ओके okay? कोई सरप्राइज यहाँ पे नहीं होनी चाहिए हमको निफ्टी की अगर बात करें पहले फीवो से चालू करेंगे इसका कोई विक है ही नहीं तो हम सीधा बॉडी टू बॉडी लेंगे अगर आप आप देखोगे यहाँ पे आपको 38% में एक लेवल मिल रहा है विच इज अराउंड 252, राइट नाइनटीन थाउजेंड में फिबोनाची का लेवल है यहाँ पे हमारे दुनिया भर के सपोर्ट है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऑलमोस्ट सिक्स रेजिस्टेंस इतना बड़ा रेजिस्टेंस को एक बार में काटेगा का क्या अनलेस मार्केट इज बुलिश इन नेचर मार्केट को ये लेवल काटना थोड़ा मुश्किल होगा ऐसे भी फिवो का लेवल है 38% का रिट्रेसमेंट में सेल आएगा बड़ा सेल आएगा नहीं आएगा वी डोंट नो बॉटम टच करेगा हाई चांसेस है बॉटम टच करेगा अगर ठीक है अगर मार्केट में थर्सडे तक ये भी पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट 18650 का भी लेवल टच कर दे जहां पे इसने बड़ा डिमांड बनाया था जहां से इसने बड़ा डिमांड बनाया था पॉसिबिलिटी है थर्सडे डे एंड तक 18,650 so जो तो यहाँ से हम मार्केट में एक पांच फाइव हंड्रेड पॉइंट का फॉल मार्केट में डेफिनेटली देख सकते हैं क्या मार्केट कल इस लेवल से सेल देगा अभी कल का अभी कल का डिसीशन करते हैं बोला वीकली में अगर ये लेवल्स आपको मिलते हैं तो आप जेनरली एक सेल मार्केट में डेफिनेटली डेफिनेटली ले सकते हो और एक चीज बैंक निफ्टी की मैं बताऊं अगर मैं यहाँ पे मिड लाइन ड्रॉ करता हूँ राइट ब्रॉडनिंग ऐसे ब्रॉडनिंग में मिड लाइन इतना पावरफुल्स नहीं होते हैं बट फिर भी अगर मैं एक मिड लाइन ड्रॉ करूं तो आपको इस लेवल के आसपास अगर आप देखोगे यहाँ पे फोर्टी थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड का जो लेवल मैंने दिया है उस लेवल के आसपास से मार्केट घूमने के बहुत हाई चांसेस है तो हा कपल ऑफ टू गो फॉर ए सेल एज द एट दैट सक्सेसफुल होंगे वी डोंट नो बट अगर सक्सेसफुल हुए तो थोड़ा लंबा खेलने की कोशिश करना ठीक है दैट इज वॉट आई एम ट्राइंग टू से बाकी रिस्क मैनेजमेंट के साथ तो गेम खेलना ही खेलना है नो डाउट अबाउट दैट राइट अगर कल की ट्रेडिंग की हम बात करें मंडे की मंडे की अगर ट्रेडिंग की बात करें हम आज अगर आप देखोगे ये ब्यूटीफुल ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके बढ़िया एकदम गैप फिल के बाद गैप फिल से पहले ही गया है ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके बढ़िया एकदम ऊपर गया है ठीक है नो प्रॉब्लम अबाउट दैट ओके कल हम अगर देखेंगे जैसे मैंने ग्रुप में बोला या तो आज का डे हाई वुड बी वीकली हाई दिस वीक हाई और अगर मार्केट गैप अप होता है तो फोर्टी थ्री थाउजेंड टू फिफ्टी टू टू सिक्स से ज्यादा मुझे नहीं लगता द रीजन कि ये स्विंग के पास अगर गया देर आर वेरी हाई चांसेस अगर एक ग्रीन कैंडल भी मिल गया तो बैंक निफ्टी फोर्टी थ्री थाउजेंड सिक्स फिफ्टी सेवन हंड्रेड का लेवल आ जाएगा तो यहाँ पे एक्सेल थोड़ा सा डरने वाला सेल है बट मार्केट ने अगर ये लेवल से सेल दिया इट माइट बी ए गुड सेल सो फोर्टी थ्री थाउजेंड टू फिफ्टी टू सिक्सटी का लेवल को कल ध्यान में रखना और इस लेवल के आसपास मार्केट अगर रिएक्शन देता है तो डेफिनेटली सेल करेंगे पहले हम सेल करेंगे थ्री हंड्रेड पॉइंट के लिए ये जो स्विंग है उसके बाद हम सेल स्विंग टू स्विंग खेलना है नो डाउट अबाउट दैट लास्ट वीक मैंने एक स्विंग टू स्विंग का गेम दिया था आपको याद होगा ये वाला शायद जहां पे आपको मजा आया होगा कल भी स्विंग टू स्विंग का ही टारगेट लेना है टारगेट वन टारगेट टू ये स्विंग फोर्टी टू थाउजेंड एट हंड्रेड टारगेट थ्री वु यहां तक पहले लेके आएंगे उसके बाद स्विंग स्विंग में गेम खेलना है आपको ठीक है ये हो गई कल की ट्रेड ना मार्केट अगर गैप अप हो जाता है तो बढ़िया बात है फ्लैट होके ऊपर चला जैसे मैं बोला ना कल का जो आस्त्रो है फुल डे सेल ऑन रहे राइट आइडियली बट अगर मैं उसको डिवाइड करूं अभी मैं इवनिंग को कैलकुलेट कर रहा था तो नाइन फिफ्टीन टू टेन और टेन तक वी वी माइट माइट सी गारंटी नहीं है okay? ट्वेंटी के आसपास दो घंटे का जो है इट लुक्स लाइक ए ब्रूटल सेल ओके इट लुक्स लाइक ए ब्रूटल सेल उसके बाद भी मार्केट राइज होगा लाइक like ट्वेल्व 12... थर्टी टू थ्री थर्टी इट्सिंग के अंदर आपको मार्केट को थोड़ा जाने देना है थोड़ा जाने देना है जैसे फॉर एग्जाम्पल मार्केट ट्वेल्व थर्टी तक यहाँ आ जाता है राइट लेट से मार्केट को थोड़ा ऊपर जाने देना है ये स्विंग से फिर से सेल करना है स्विंग टू तो स्विंग कर गेम खेलना है आपको तो दिस वुड बी आइडियल ये ब्रेकअप दस बजे के बाद दो घंटे से ढाई घंटे के आसपास आमेगा अच्छा सेल मार्केट में देख सकते हैं ठीक है सब so, पॉसिबिलिटीज जो है हमारी शायद गारंटीड नहीं है शायद मार्केट इस तरह का रिएक्शन दे दे है ना इधर यहां से ऐसे ये लेवल आएगा नहीं आएगा वी डोंट नो बट इस तरह का रिएक्शन मार्केट दे दे मतलब फर्स्ट थर्टी मिनट्स के बाद हमें मार्केट में ऑन राइज का ही सोचना है आइडियली और मार्केट अगर गैप डाउन हुआ मार्केट अगर गैप डाउन हुआ तो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट पे ही आप आइडियली सेल कर सकते हो द ओनली थिंग इज दैट ये हाई में जाके चीट कर सकता है ओनली प्रॉब्लम ओके इज ओनली प्रॉब्लम ये याद रखना जो मैं बता रहा हूं। उस केस में फिर ऑप्शन बायर की तो दिल की धड़कन इधर उधर हिल जाएगी राइट माइट बी पॉसिबिलिटी गारंटेड नहीं है या पॉसिबिलिटी ये भी है कि कंटिन्यू कंटिन्यू करता जाए और डे हाई को चीट ना करे पॉसिबिलिटी है बट पॉसिबिलिटी ये भी है कि चीट कर सकता है तो मेरा कॉन्फिडेंट सेल तभी बनेगा जब मार्केट पंद्रह बीस मिनट एटलीस्ट ऊपर जाए गैप अप हो जाए पंद्रह बीस मिनट ऊपर टिका रहे लोगों को दिखाए कि मैं ऊपर जा रहा हूं ऊपर जा रहा हूं ऊपर जा रहा हूँ और उसके बाद धुआंधार सेल मार्केट में हो दैट वुड बी अ वंडरफुल सेल अपॉर्चुनिटी फॉर अस ठीक है होगा तो देखेंगे नहीं होगा तो नहीं देखेंगे ठीक है गैप डाउन होके अगर ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट काटता है सेल आएगा बट उस केस में द सेल माइट नॉट बी दैट ब्रूट ओके हाउ एवर गैप डाउन अगर हुआ इसका मतलब ये नहीं है आपको बाई करना है गैप डाउन अगर हुआ मार्केट बाई चांस ऊपर भी आया ओपनिंग का ध्यान रखना है जैसे ही ओपनिंग कटेगा कल का फिर आप सेल में बैठ सकते हो फुल डे का ठीक है निफ्टी की अगर हम बात करें लेवल्स तो ऑलरेडी दे ही दिया है जो वीकली लेवल है वो लेवल कल के लिए भी वैलिड रहेंगे नाइनटीन क्या मार्क क्वेश्चन इज दिस जो मैं बोल रहा था कि आपको शायद कंफ्यूजन होगा क्या मार्केट नाइनटीन थाउजेंड टू फिफ्टी तक जा सकता है कल पहली चीज ये है कि गया बजे के के पास फिर तो सेल मार नहीं मारना ही आपको टू लेवल में मार्केट में आपको सेल मारना है बिना कुछ देखे नो डाउट अबाउट दैट राइट बट हायर पॉसिबिलिटीज ये भी है कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है यू कैन गेट ए सेल फ्रॉम टू हंड्रेड ऑल्सो ये वीकली लेवल टू हंड्रेड टू हंड्रेड इलेवन तो बड़ा ही होगा डेफिनेटली दिस गुंड बिग फॉल दिंग के मार्केट को टू फोर्टी तक टू फिफ्टी तक वेट करने की जरूरत नहीं है दस बजे तक पहुंच गया तो पहुंच गया अगर नहीं पहुंचा और ये 200 के आसपास आपको कोई ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न या नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखता है सेलिंग का सेल कर देना कल ठीक है सेल कर देना कल स्टॉप लॉस आपका सिर्फ 20 पॉइंट का, का है ठीक है सॉरी 30 पॉइंट का 30 पॉइंट का है टारगेट आपका मिनिमम 100 पॉइंट का होना चाहिए मिनिमम 100 पॉइंट का होना चाहिए 19100 का लेवल राउंड मिल जाना चाहिए 1:3 रिस्क रिवॉर्ड ओके और गैप डाउन हुआ तो पता है सबको आज का डे का हाई का स्टॉप प्लस लेके ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट पे काट देना नीचे आएगा मार्केट और मार्केट बाय चांस डे हाई चीट करता है और अपने बाय चांस ट्रेड लेना भूल गया डे हाई जैसे ही चीट करेगा पहला रेड कैंडल दिखा अगर डे हाई चीट करके रेड कैंडल दिखा उसी रेड कैंडल में सेल करना है आप ठीक तो है बाकी लेवल तो दिए हैं स्विंग टू स्विंग ये स्विंग ये स्विंग और नीचे नहीं जाएगा यहां तक आ गया बहुत बड़ी बात है यहां तक देखेंगे तो ट्वेल्व थर्टी तक जितना सही लोग उतना हम लेंगे ठीक है होप द व्यू इज गोइंग टू वॉक लेटेस्ट सी मार्केट में निफ्टी में सिर्फ तीस पॉइंट का स्टॉप लॉस है बैंक निफ्टी में अराउंड पॉइंट का स्टॉप लॉस आएगा अगर आपको लंबा खेलना है तो सेवेंटी पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ अगर बैंक निफ्टी में खेल रहे हो मिनिमम टू हंड्रेड पॉइंट का कैप्चर करने की कोशिश करना अदरवाइज आपको रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिलेगा ठीक है बाकी मोटा मोटा व्यू वीकली का अगर हम देखेंगे आ, वीक का अगर हम स्टार्ट करते हैं एक बार एनालिसिस हमने किया नहीं वीकली का अगर हम देखेंगे जैसे लास्ट वीक मैंने बोला था आपको अगर याद होगा आ, वीकली कैंडल माइट बी रेट राइट स्पेशली अगर ये लेवल टूटता है तो अदरवाइज हम डोजी में खेलते राइट दिस वीक जो है मार्केट माइट बी पॉसिबली अनादर रेड वीक एक्सपायरी है, 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 है उसके बाद निफ्टी की एक्सपायरी है ठीक है तो एक डाउन साइड की मूवमेंट हम मार्केट में देख सकते हैं क्योंकि अपर साइड कैपिंग मेरे को लग रही है देखो आप वीकली भी देखोगे ना यहाँ पे आपको ब्यूटीफुल सपोर्ट मिलेगा जो एक पावर पैटर्न बना के ऊपर गया था राइट पावर uh, पैटर्न को अभी इसने तोड़ा है सपोर्ट को इसने सपोर्ट को तोड़ा है राइट right? ये हफ्ते जैसे ही मार्केट ने तोड़ा ये रेजिस्टेंस हंड्रेड परसेंट बनना चाहिए वेरी वेरी क्लियर व्यू दे रहा हूँ ठीक है और सिंपल प्राइस एक्शन व्यू दे रहा हूँ ठीक है उसके बेसिस पे ट्रेड करेंगे बाकी जो होगा लाइव में देखेंगे थैंक यू वेरी मच गुड नाइट जय माता